इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे झारखंड सरकार की। जी हां, राज्य सरकार ने कोरोना से हुई मौत का ऑडिट कराने की योजना बनाई है। खासकर कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जान गंवाने वालों की वास्तविकता परखी जाएगी। 1 अप्रैल व उसके बाद हुई मौत के आंकड़ों की ऑडिट प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद है, जो स्वास्थ्य विभाग कराएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस पर सहमति दे दी है, बल्कि उन्होंने ट्वीट भी किया है कि राज्य में कोरोना से मरने वालों की लावारिस नहीं माना जाएगा और उन्हें जैसे तैसे बहाने या दफनाने के बजाय उनके पूरे रीति रिवाज एवं धार्मिक मान्यता के अनुरूप सम्मान पूर्वक विदाई देंगे। इसके लिए सरकार के स्तर से हर दुखी परिवार को हर संभव सहायता मिलेगी। यह मदद जारी है और आगे भी देंगे। कुछ लोगों को इस घड़ी को आपदा को अवसर में बदलने नहीं देंगे। वहीं सीएम के मुताबिक सरकार निष्पक्ष ऑडिट कराएगी। इसके जरिए यह जानना है कि सरकारी आंकड़े में सच्चाई कितनी है, यह जमीनी हकीकत से कितना अलग है। इससे हमें इस त्रासदी से प्रभावित हर परिवार की पहचान करने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्हें जरूरी सभी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से जुड़े जीवन सुरक्षित करने में मदद दी जाएगी। साथ ही ये आंकड़े हमने अपनी स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने, पारदर्शी शासन एवं बेहतर और समावेशी नीतियां बनाने में मदद करेंगी। वहीं 5 शहरों को किया गया है टारगेट। आपको बता दे, ऑडिट के लिए रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग शहर को चुना गया है। इसके लिए उच्च स्तरीय 2 अलग-अलग टीम बनाई गई है। रिम्स टाटा मुख्य अस्पताल, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग के लिए 1 टीम लगेगी। वहीं दूसरी टीम शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद और बोकारो जनरल अस्पताल के मामलों का ऑडिट करेगी। वहीं 31 मई तक दोनों टीमों को अपनी रिपोर्ट देनी है। मौत के कारणों का संक्षिप्त विश्लेषण भी टीम करेगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।